जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक होम थिएटर की, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय गाइस, कैसे हो? मैं हूँ अतुल और बेसिक टेक हिंदी में आपका स्वागत है। अनबॉक्सिंग करूंगा जिसमें इसमें मैं आज का प्राइस भी बताऊंगा इसके साथ क्या क्या देखने को मिलता है। और ये जो होम थिएटर है 7.1 होम थिएटर है। अब ये 7.1 क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल स्किप भी बिल्कुल ना करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए हमारे सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो गाइस चलिए चलते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टन्स लिखा हुआ है होम थिएटर। और यहाँ पर इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करूँ तो ब्लूटूथ, USB, FM रेडियो और साथ में ये ऑक्स केबल। और यहाँ पर कॉम्पेटेबल डिवाइस की बात करूँ तो LED TV, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, PC, इतने सारे जो डिवाइस हैं आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, बॉक्स रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। और साथ में अगर बात करता हूँ यहाँ पर चारों तरफ तो वही लोगो बिल्कुल सेम दिखाया गया है। तो भाई ये जो गाइस होम थिएटर है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं क्रिस्टन्स कंपनी का होम थिएटर है, जो कि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर के इसको भी देख सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पैकिंग देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की हुई है कंपनी ने। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको सात इसके छोटे छोटे स्पीकर देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको बच्चा कहूँ तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 6, 7 यहाँ पर स्पीकर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर इसके कुछ डॉक्यूमेंट और यहाँ पर केबल रखी हुई है और रिमोट भी इसके साथ दिया गया है। जो इसका छोटा वाला स्पीकर है आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, पूरी तरीके से पैक है अभी। चलिए पैकिंग से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। होम है इसको चलिए हटा देता हूँ और इसमें देखने को मिलेगा होम थिएटर, पूरे घर को आपको थिएटर ही बना देगा, क्योंकि इसमें सारे इतने सारे स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये 7.1 है, यानी कि इसमें आपको जो छोटे छोटे स्पीकर हैं वो आपको साथ देखने को मिलेंगे, और इसका जो एक मैन स्पीकर देखने को मिलता है जिसे हम सब बूफर भी कह सकते हैं। और चलिए ये भी पूरी तरीके से पैक है, चलिए इसके जो रैप है सबको निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। निकालने के बाद आप देखेंगे गाइस बहुत ही अच्छा लुक है, और इतने सारे इसके देख सकते हैं स्पीकर रखे हुए। बनावट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो कि बनावट इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पर स्पीकर जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और चलिए मैं दूसरे यहाँ पर होम थिएटर की अगर बात करता हूँ तो होम थिएटर की भी बात मैं कर लेता हूँ। होम थिएटर कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि पीछे आपको यहाँ पर एक बड़ा सा होल देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हवा पास के लिए है। और उसके बाद में बीच में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर नीचे लिखा हुआ क्रिस्टन्स कंपनी का नाम, और नीचे उसके एक USB का आपको देखने को मिलेगा स्विच। और उसके बाद में यहाँ पर आसपास के बटन से देखने मिलेंगे, जो प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस और मोड के बटन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर तीन आपको वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ट्रिबल, बेस और वॉल्यूम मैन मास्टर का वॉल्यूम देखने को मिलता है। और इसके बिल्कुल फ्रंट में आपको सब वूफर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इसके नीचे आपको एक रिंग भी देखने को मिलती है, जो कि ब्लिंक करती है, यानी कि जलती है। पीछे अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से सॉकेट देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दो जो सॉकेट्स हैं वो ऑडियो इनके मिलेंगे, और 7 जो सॉकेट्स हैं वो स्पीकर के मिलेंगे, और एक जो सॉकेट है वो FM एंटीना का देखने को मिलता है। और नीचे साइड की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलेगा। उससे पहले चलिए मैं यहाँ पर रिमोट की बात कर लेता हूँ। जो रिमोट है आपको कुछ DTH की टाइप का ही देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फनी है, लेकिन जो भी है सही है। चलिए और मैं अगर दूसरे यहाँ पर बात करूँ तो आपको एक केबल देखने को मिलती है, जो कि आपको ये एक मोबाइल की तरफ लगने वाली मिलती है, और ये और दूसरी तरफ आपको ये पिन वाली देखने को मिलती है। ये इसका वारंटी कार्ड है, इसको आप संभाल के रखिएगा। और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स किताब बुक्स देखने को मिलती है, जिसको कैसे क्या यूज करना है सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। अगर आप इसकी साउंड ट्वेस्टिंग सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़िए। उसके बाद मैं वहाँ पर इसका वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ पर इसकी जो साउंड टेस्टिंग है आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियो में हर एक में करता हूँ जहाँ पर इसमें साउंड टेस्टिंग करता हूँ। तो जो मैन जो साउंड टेस्टिंग है वो ज़्यादातर मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं। थैंक यू। आई होप गाइस कि ये होम थिएटर जो है बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी प्रकार का कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा।